जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:09 हो गई है 21 मई 21 मई 2019 और 8:09। तो आज मंगलवार है, इट्स ट्यूसडे टुडे 21 मई 8:09 AM 8:09 हुई है। तो आज का गुड मॉर्निंग पोस्ट या व्यू जो भी समझ लीजिए आप, मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल आपने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ही ज़्यादा लाइक किया और सब्सक्राइबर्स भी कल काफ़ी आप लोग ऐड हुए हैं, 8321 पे सब्सक्राइबर पहुंच गए, जो कि मुझे बहुत खुशी है। एक ही दिन में 170 सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा। जय भोलेनाथ दोस्तों। और सोमवार 4:11 1000 से ज़्यादा लाइक ऑलरेडी आ चुके हैं कल रात तक ही, और 4000 व्यूज है, ये बहुत बड़ी बात है। एनीवे चलिए इसको छोड़ते हैं, आप लोग को दिल से धन्यवाद है। अब मैं आज ये गुड मॉर्निंग पोस्ट क्यों बना रहा हूँ, जबकि मैंने कल सब कुछ बता दिया था कल वाले वीडियो में कि आज ट्रेड करना नहीं है और आज का जो हाई लो बनेगा उसको देखते हुए हमको कल एक्शन लेना कि कल जिस साइड का अगर लो पहले टूट जाए तो हम मंदी में बैठ जाएंगे, अगर कल हाई टूट जाता तो हम तेजी में बैठ जाएंगे। ये हमारा कल मैंने समझाया था आपको करना है। लेकिन अब देखिए मैं आज एक कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए इलेक्शंस है, ये कोई मजाक नहीं है, लोकसभा इलेक्शंस है, एग्जिट पोल आ गए और हम खुश हो गए कि मोदी जी आ गए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये लोकसभा का इलेक्शन है, यहाँ उलट फेर होते हुए देर नहीं लगती दोस्तों। यहाँ ये कभी मत समझ लीजिएगा कि जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वही होने वाला है। ओवरऑल एग्जिट पोल ये बता रहा है मोदी जी क्लियर कट आ रहे, बट और मैंने भी जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट स्टडी की थी 16 मई को जो वीडियो बनाया था, 16 मई को 1:09, जो 1 बजे का 23 मई का जो चार्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि जो भी आएगा वो फुल मेजोरिटी से आएगा और क्लियर कट दिख रहा है कि उसको अगर मैं सरकार का चार्ट मानूँ करंट का तो मोदी जी फुल मेजोरिटी से आ रहे हैं। बट आज क्या है दोस्तों, आज मूल नक्षत्र है, आज मूल नक्षत्र है चंद्रमा, चंद्रमा आज मूल नक्षत्र में है, मूल मतलब जड़ या बेस, और उसके बाद कल कौन सा नक्षत्र रहेगा, पूर्वा आषाढ़ा 22 को कौन सा रहेगा, देखिए आपको मैं सब दिखा दूँ, कल रहेगा पूर्वा आषाढ़ा, ठीक है, और आज है मूल, देखिए कल का ये 22 का, और फिर 23 को जो रहेगा वो उत्तरा आषाढ़ा, 23 को उत्तरा। अब ये पूर्वा और उत्तरा आषाढ़ा क्या होता है और मूल क्या होता है मैं समझाता हूँ, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना कोई दरकार नहीं थी आज गुड मॉर्निंग पोस्ट देने की। तो देखिए मूल नक्षत्र मतलब बेस, और पूर्वा आषाढ़ा मतलब जो आपने आज डिसाइड किया, मूल मतलब हम अपनी जड़ें तलाशते हैं आज के दिन हमको डिसीजन लेना होता कई बार कि मैं यार ये धंधा कर रहा हूँ इतने दिनों से लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, शायद मुझे धंधा चेंज करना चाहिए। तो आज हम अपना बेस बनाते नया या जड़ तैयार करते या कुछ ना कुछ एक बड़ा डिसीजन आज लेते हैं, लेकिन उसको जब कल इम्प्लीमेंट होगा उसको बोलते हैं पूर्वा आषाढ़ा, मतलब उसका डिसीजन का अनाउंसमेंट कर देते हैं, नहीं कल से मैं ये जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उस वो जो अनाउंसमेंट करने वाले दिन को बोलते हैं पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, जो कि कल है, और उस अनाउंसमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, मतलब अगर मैं ये जॉब से उस जॉब में गया हूँ और रिजल्ट अगर बहुत अच्छा है तो वो रिजल्ट दिखाएगा जो 23 को नक्षत्र है, वो है उत्तरा आषाढ़ा। पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का दिन है असेंबली, मतलब आज अगर मैं इलेक्शंस के हिसाब से बोलूं तो आज जोड़ तोड़ की राजनीति में सब लग जाएंगे, सारे कोशिश करेंगे आज जो भी अपनी बेस बना ले, चाहे वो गठबंधन हो, मतलब ये जो महागठबंधन हो, चाहे हो बीजेपी हो, आज वो अपनी सारी ताकत यूज़ करेंगे क्योंकि आज का ही दिन है बेस बनाने का, फिर कल उसको अनाउंसमेंट करने का। तो हो सकता है आज जैसा मैंने सुना है 3 बजे जो गठबंधन की पूरी टीम है महागठबंधन की वो इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाली है और वो बोलने वाली है वहाँ पे VVPAT से काउंटिंग होनी चाहिए। अगर VVPAT से काउंटिंग होती है तो एक तो इलेक्शन का रिजल्ट जो 23 को 1 बजे तक आ जाना था वो शायद शाम तक टल जाएगा, 5-6 बजे तक आएगा फिर, क्योंकि तो उसमें काउंटिंग में बहुत टाइम लगेगा। और अगर ये डिसीजन वो मान लेती है, यानी कि आज बेस का दिन है तो महागठबंधन अगर आज इस काम के लिए जा रही है तो अगर वो इलेक्शन कमीशन को मनवा लेती इस बात पे कि VVPAT से काउंटिंग होनी चाहिए और ऑथेंटिक लगे, तो वो उनका आज बेस बन जाएगा और फिर वो कल अनाउंसमेंट करेगी कि देखो हम लोग भी आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो चार्ट ये बता रहा है कि क्लियर कट मेजोरिटी चाहे वो किसी की भी हो।
लेकिन पर्सनली मुझे लगता है मोदी जी इज कमिंग विथ फुल स्विंग, बट ये मैं संभावना आपको बता दी, इसलिए आज बाजार से आप दूर रहिए बिल्कुल भी। और आज जो डिप आएगा उसको नोट कर लीजिए कि आज का लो ये बना और आज का हाई ये बना। कल आपको खाली इतना सा काम करना है कि जो डायरेक्शन टूट जाए, अगर हाई टूट जाए तो आप तेज़ी में बैठ जाइए, और अगर आज का लो टूट जाए कल तो आज मंदिर। बस इतना सा गुड मॉर्निंग पोस्ट है, ये मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं शेयर कर दिया क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। दैट्स वाई मैं सोचा कि मैं सुबह आप लोग को इस मेरी जो नया मेरा दिमाग में ख्याल उपजा है वो आपको बता दूँ, क्योंकि ये तीन नक्षत्र बहुत कमाल के होते हो, हर महीना आता है, क्योंकि 27 दिन में नक्षत्र फिर से चेंज हो जाते हैं। एक नक्षत्र की साइकिल 27 डेज की होती है, 27 नक्षत्र है इस कॉन्स्टिलेशन में, 27 नक्षत्र है टोटल वैदिक ज्योतिष में। एनीवे थैंक यू दोस्तों, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और आज आपका दिन शुभ हो, आज शांति से बैठिए, मेरी बात मानिए। अगर कोई ट्रेड आपको खुजली भी हो रही है तो 20-30 पॉइंट का निफ्टी या बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस मत डालिएगा, और निफ्टी में 30 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत डालिएगा, खेलना भी हो तो, क्योंकि आज आपको खुजली मिटाने के लिए खेलना, बाकी मत खेलिए। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट।